हेलो दोस्तों, देव सैनी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कैसल बारबेक्यू में और अनलिमिटेड फूड बफे यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है, जंगल जंबोरी बारबेक्यू में हम जा चुके हैं और थीमिस में हम जा चुके हैं, हमने वहाँ का रिव्यू आपको दे चुके हैं। और आज हम आए हैं कैसल बारबेक्यू में। कैसा यहाँ का एम्बियंस है, कैसा यहाँ का खाना है, क्या क्या डिशेज यहाँ पर आपको मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, यहाँ का रिव्यू दूंगा। वीडियो के लास्ट में किस तरह से आप 50% डिस्काउंट यहाँ पर ले सकते हैं जो कि मैजिक पिन से। तो चलिए चलते हैं कैसल बारबेक्यू में। कैसल बारबेक्यू पीतमपुरा के पैसिफिक मॉल में पड़ता है, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन NSP मीन्स नेताजी सुभाष प्लेस है। मॉल में घुसकर लिफ्ट पकड़कर सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर सीधा कैसल में आप एंट्री ले सकते हैं। NSP से अलग आप टैगोर गार्डन, कनॉट प्लेस और नोएडा में भी कैसल बारबेक्यू का आनंद ले सकते हैं, वहां भी आपको सेम एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। एंट्री लेते ही भभकते हुए कोयले वाला बारबेक्यू टेबल पर लगा दिया जाता है और स्पीड में स्टार्टर स्टार्ट हो जाते हैं। वेज में पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, सोया चाप, क्रिस्पी कॉर्न काफ़ी अच्छे हैं। नॉनवेज में भी काफ़ी वैरायटी मिल जाती हैं। स्टार्टर इतने अच्छे होते हैं कि ऑलमोस्ट पेट स्टार्टर में ही भर जाता है। सर ये कौन सर? ये फिश टिक्का, ये चिकन सीख, मटन सीख एंड चिकन टिक्का। वीडियो को पॉज करके आप पूरा मेनू देख सकते हैं। मेनू कभी कभार ऊपर नीचे चेंज होता रहता है। राइट सेक्शन में हाँ, अगर हम मेन कोर्स की बात करें तो आपको बिरयानी मिल जाएगी, राइस मिल जाएंगे। अगर हम आगे चलते हैं तो आलू गोभी मसाला और आपको कड़ी पकौड़ा मिल जाता है। मेन कोर्स में पनीर बटर मसाला, ये सारे मेन कोर्स है और दाल मखनी मिल जाती है। हाँ, उससे आगे अगर हम चलते हैं तो आप मंचूरियन ग्रेवी और नूडल्स, चाउमीन आपको मिल जाती है। उससे अगर आगे चलते हैं मूंग दाल हलवा मीठे में और हमारी फेवरेट अंगूरी गुलाब जामुन, ये हमें मिल जाती है मीठे में। अगर उससे अगर आप आगे चलते हैं, ये सैलेड है हमारा, सैलेड हर तरह का सैलेड हमें मिल जाता है। अगर हम नॉन वेज की बात करें तो चिकन मंचूरियन सूप मिल जाता है हमें और बटर चिकन और मटन का हमें मटन ग्रेवी मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गार्लिक सॉस फिश ग्रेवी मिल जाती है हमें राइस के साथ। और उससे अगर हम आगे चलते तो एग करी और दम बिरयानी, हमें हैदराबादी मुर्ग मतलब चिकन बिरयानी हमें मिल जाती है। यहाँ पे काउंटर है चाट का, जहाँ पर हमें मिलते हैं लाइव गोलगप्पा और चाट पापड़ी। तो अभी हम मीठे में दिखाते हैं आपको। तो मीठे में यहाँ पे अवेलेबल है सभी तरह की पेस्ट्री, यहाँ पे अवेलेबल है केक अवेलेबल है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं फ्रूट कप केक, ये फ्रूट कप केक है। मीठे में काफ़ी सारी वैरायटी है। यहाँ पे चॉकलेट पाई, ये हमारी है चॉकलेट पाई। उसके बाद हम चॉकलेट पेस्ट्री ले सकते हैं, चॉकलेट पेस्ट्री काफ़ी सारी वैरायटी हमें मिल जाती है। उसके बाद लड्डू, स्पेशल लड्डू, यहाँ पे बेसन का लड्डू हमें मिल जाता है। उसके बाद हमें लौकी बर्फ़ी, लौकी जिसको हम घिया भी कहते हैं, लौकी की हमें बर्फ़ी मिल जाती है। उसके बाद हमें ये कोकोनट, नारियल जिसको हम कहते हैं, नारियल की बर्फ़ी हमें मिल जाती है। और ये हमारे लिए शाही टुकड़ा एक तरह की बर्फ़ी होती है, ये हमें मिल जाती है। हाँ, ये फ्रूट कस्टर्ड है और कुछ हमारे फ्रूट हमें दिखाई दे रहे हैं। ये मेरी फुल प्लेट हो गई है, हमारी पूरे मीठे से पूरी भर गई है। तो जिसको मीठा पसंद है वो कैसल बारबेक्यू में ज़रूर आ सकता है। तो यहाँ पे आइसक्रीम मिल जाएगी आपको, मैंगो की, पान की, काफ़ी सारी वेराइटी है हमारे यहाँ पे। तो ये सर हमारे लिए बना रहे हैं पान आइसक्रीम, फटाफट बना दीजिए सर पान आइसक्रीम। मूंग दाल हलवा, इट्स ओके, नॉट सो गुड। ये देखिए सर, 4020 रुपीज़ का मेरा बिल हुआ है और इस पे 50% डिस्काउंट मैजिक पिन से कूपन हमने खरीदे थे, 50% डिस्काउंट हमें लग गया है तो हमें 4% अप्रोक्स 2000 रुपीज़ पड़ा है। 50% डिस्काउंट के लिए आप जितने चाहो उतने कूपन मैजिक पिन ऐप से खरीद सकते हो और उन्हें रिडीम कर सकते हो। 1000 रुपीज़ का कूपन आपको अप्रोक्स 500 रुपीज़ में मिल जाता है, या इससे अलग आप डाइनआउट ऐप से भी पेमेंट करके 20 से 30% डिस्काउंट पा सकते हैं। दोस्तों हम आए थे कैसल बारबेक्यू में और हमने यहाँ पे लंच किया है, लंच बफे, अनलिमिटेड फूड, काफ़ी अच्छा हमें लगा है। यहाँ का एक्सपीरियंस मैं आप शेयर करेंगे हमारे अंकित जी, सबसे पहले आपको शेयर करेंगे। हाँ अंकित जी, क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ का पनीर टिक्का काफ़ी अच्छा था। पनीर टिक्का अच्छा लगता और एम्बियंस यहाँ का माहौल कैसा लगा? एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था यहाँ का। अच्छा, स्पेशली इनके अंगूर गुलाब जामुन, अंगूरी गुलाब जामुन। ओके, अंगूरी गुलाब जामुन आपको काफ़ी अच्छे लगे? यस। ओके, तो रेटिंग कितना देना चाहोगे आप? आउट ऑफ 10 कितनी देना चाहोगे? 8 आउट ऑफ 10। 8 आउट ऑफ 10 देना चाहोगे। ओके, तो मैं अपना रिव्यू दूं तो मैं यहाँ पे, हम जैसे कि आपको पता है हम जा चुके हैं जंगल जम्बोरी में, थीमिस बारबेक्यू में हम जा चुके हैं और बारबेक्यू नेशन में हम जा चुके हैं। यहाँ का रिव्यू मैं दूंगा तो 7 आउट ऑफ 10। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी भी लगी मुझे, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं अंगूरी गुलाब जामुन अच्छा है, मीठे में कुछ डिशेज अच्छी थी, पर ओवरऑल अगर देखा जाए, एम्बियंस देखा जाए तो थोड़ा कम, स्पेस थोड़ा कम है और बाकी चीज़ें देखी जाए तो एम्बियंस ठीक ठाक है, पर ओवरऑल रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 ही यहाँ की रहेगी। तो रेटिंग कितना देना चाहोगे आप? रेटिंग हम 8 तो देंगे सर, 8 आउट ऑफ 10। तो नरेंद्र जी, आपको यहाँ पे सबसे अच्छी डिश क्या लगी? मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी डिश लगी फिश टिक्का लगी। फिश टिक्का यहाँ पे आपको अच्छी लगी? ओके, तो एम्बियंस कैसा था? एम्बियंस ठीक ठाक ही था, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा तो बारबेक्यू नेशन है। बारबेक्यू नेशन और थोड़ा सा कंजस्टेड लगता है यहाँ पे। थीमिस भी अच्छा है, इससे थीमिस के बराबर भी नहीं है। ओके, आपने थीमिस को रेटिंग दी थी 9 आउट ऑफ 10, तो इसको क्या रेटिंग देना चाहोगे? यहाँ पे अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो मैं 8 ही इसको रेटिंग दूंगा 10 में से। जो आइसक्रीम थी, पान वाली आइसक्रीम, वो अच्छी लगी मुझे, पान वाली आइसक्रीम अच्छी थी। चलो दोस्तों, अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल देव सैनी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।